पल्स रेट हो, हार्ट बीट हो या बीपी, सब डाउन हो गया है। इसका मतलब अब ये बच नहीं पाएंगे। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक का भी कोई असर नहीं हो रहा। लगता है ये शख्स हमें मारकर ही मरेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने 28 साल पहले इसे ये जहन में रखकर भर्ती किया था कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये अब तक कोमा में है। अगर ये जिंदा नहीं बचा तो इसके लोग अस्पताल को आग लगा देंगे और साथ में हमें भी जिंदा जला देंगे। पुलिस को कुछ बहाना बनाकर इसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर अपनी जान बचानी होगी। हे भगवान, आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मेरे पोते का रिश्ता पक्का हो जाए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। बालकनी में नहीं, स्टॉल में बैठिए। काफी आलीशान घर बनाया आपने। शुक्रिया शुक्रिया। ये घर मैंने बनाया है और मेरी दादी ने बनाया है और आपके होने वाले दामाद ने तो इस घर में चार चांद लगा दिए हैं। नमस्ते, बैठिए बैठिए। अरे सुनो, वीर सिमा कहाँ गया? किसी जरूरी काम से बाहर गया दादी माँ। अचानक जरूरी काम, ऐसा भी क्या है? चल चल भगा, जल्दी भगा। आगे कॉलेज का रास्ता है, वहाँ से ले ले। क्यों रे, तुझे अपने हुस्न पे कुछ ज्यादा ही घमंड है ना? अभी चकनाचूर कर देता। जल्दी 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 चल। वैसे इन्हें इतना घमंड क्यों है? घमंड तो इनका असली जेवर है भाई। तेज चला यार। फिर आज इस जेवर को पिघला देते। ए! उसके हाथ में एसिड है। ए, दरवाजा खोल, बाहर आ। ए, खोल दरवाजा, खोल। ए, सुनाई नहीं देता क्या? ये अचानक गाड़ी क्यों रुक गई? चलिए देखते हैं। मारने के लिए गुंडा लेके आई है? आज तेरे चेहरे को इतना बदसूरत बना दूंगा कि आईने में देखने से भी खौफ खाएगी। अरे आप कहाँ जा रहे? रुकिए, यहीं रुकिए। अबे भागना बंद कर। अबे चिल्ला मत। बोतल में एसिड नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक थी। तेरे को कुछ नहीं हुआ। सॉफ्ट ड्रिंक की दो छींटे पड़ते ही तेरी रूह कांप गई। तो इन मासूमों को देख, अगर तूने इन पर एसिड डाला होता तो इनका क्या होता? जो हरकत तू इनके साथ करने जा रहा था तेरे घर वालों के साथ होती तो तब तुझे क्या महसूस होता? अगर किसी लड़की का दिल जीतना हो तो सबसे पहले उसकी इज्जत करना सीख। प्यार को नफरत से नहीं, प्यार से जीत।
हम मर्द हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम औरतों को कमजोर समझें। और तुझे क्या लगा एसिड फेंक कर तू उस लड़की को अपना बना लेगा? अगर दोबारा तूने गलती से ये सोचा निकाल निकाल यहां से। अगर दोबारा कभी किसी मजनू ने ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो वहीं धो डालो उसे, आगे मैं संभाल लूंगा। चलो चलते हैं। मैं इस वक्त कहां हूं? कहां हूं मैं कोई बताएगा? क्या? यस सर। उसकी हार्ट बीट तो ना क्या बराबर चल रही थी और उसका दिमाग तो पूरी तरह से बंद हो चुका था और उसका बचना भी नामुमकिन था। एक पंच में होश में आ गया। इतना ताकतवर घूंसा जिसने डॉक्टरों को भी हरा दिया, कौन था वो? ये समाज पूरी तरह से खोखला हो चुका है। सही कह रहे हैं। आजकल लड़की कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। एसिड फेंकना, गंदे कमेंट करना। लड़कियां भी तो यही चाहती है भाई। आजकल लड़कियां खुद ही ऐसे तैयार होती है और चाहती है कि लड़के उन्हें कमेंट करें और उनके कपड़े तो सोच बदल। लड़कियों के कपड़ों में खराबी नहीं, दिमाग में होती है। अपनी गंदी सोच को बदलो। तेरी बहन पे कोई एसिड फेंकेगा तो चलेगा? अरे भाई, चलिए पापा चलिए। कौन थे ये लोग? हैं? इसे कहते हैं अपने ऊपर खुद एसिड फेंकना। बस आपके ससुर बनते बनते रह गए। अबे पहले बताना था ना। बताने से पहले तो बजा दिया ना। सबसे पहले तो सुनामी की तरह आते हो और अपना ही घर डुबो देते हो। कुछ नहीं भाई, दादी माँ नाराज हो गई, जाके मनाइए ना। क्या हुआ दादी, उन लोगों के लिए इतना अफसोस? नहीं वीर, अफसोस उन लोगों के जाने का नहीं है। अफसोस ये है कि तुम समाज के ठेकेदार बन गए हो। हर रोज तुम्हारे कपड़ों पर खून के दाग होते हैं। मैं गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करना सीखो। कभी तो मेरा कहना मानो वीर। अब से जरूर मानूंगा, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है। चलो। बाहर आपका ना होने वाला ससुर मिला था। कह रहा था निकाह से पहले दूल्हे की हकीकत सामने आ गई। देखो प्यारे चाचा चौधरी, आपके उछल कूद के दिन अब खत्म हो गए हैं। अब तो आप बुड्ढों के साथ खेलने के लिए भी बुड्ढे हो गए हो। आप ना कफन पहन के चला करो, पता नहीं कब आप कब्र में गिर जाओगे। तूता अभी गिर जाएगा। एक नेक काम कर लो, जीवन बीमा करा लो, कम से कम दादी का बुढ़ापा तो अच्छे से कट जाए। यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ, पल भर में दुनिया घुमाया। आज तू घर से कफन बांध के निकला था क्या? ऐसा क्या मैंने? हाँ। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, मौत के फरिश्ते से टकरा गया तू। अबे अलादीन के खाली चिराग, खुद तो कभी जला नहीं और तू दूसरों की जिंदगी रोशन करने चला है। अबे कौन से तोते ने तेरा पत्ता निकाला था जिसमें हर वक्त शनि ग्रह तुझसे नागिन डांस करवाता है? वैसे तुझे शनि ग्रह नहीं लगा, तू शनि ग्रह से चिपक गया है। पहले तू गाड़ियों का इंश्योरेंस करता था, गाड़ियां सारी ठुक गई, इंश्योरेंस कंपनी फुक गई, तेरी किस्मत रुक गई। पर किस्सा अभी रुका नहीं। अब सुन, तेरे पास एक ही रास्ता बचा है, तू किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपना इंश्योरेंस करवा ले और नॉमिनी में मेरा नाम लिख दे। मैं मरूंगा तो पैसे देगा? 100% पूरा पैसा देगा। अरे वीर गुरु से गुरु दक्षिणा मांगता है। तुमसे बात करना यानी भैंस के आगे बीन बजाना। जैसे हर हिंदी फिल्म में पॉलिटिशियन का बेटा एक अलग ही सुर में बजता है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही बज रहे हो। उम्मीद के मुताबिक कॉलेज के नियमों का ये पर्चा अंग्रेजी में है, फिर भी मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा और तुम फाड़ दोगे। उम्मीद के मुताबिक और हर बिगड़ी औलाद की तरह तुम भी लोगों को यही कहकर डराओगे कि पता है मेरा बाप कौन है। उम्मीद के मुताबिक। लेकिन सिर्फ एक जरूरी बात है जो तुम्हें नहीं पता, वो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नहीं है, और जब तक मैं तुम्हें नहीं बताता तुम उस बारे में नहीं जान पाओगे। चलो उस तूफान का नाम बता ही देता हूँ, वीर सिम्हा। Let it shine, he's gonna bend this stranger. Let him come and make you right.
अगर उसे तुम्हारी करतूतों का पता चल गया तो जानते हो वो तुम्हें तोड़ मरोड़ कर ऐसा खिलौना बना देगा जिससे हर कोई खेलना चाहेगा। ऐसा क्या, इतना बड़ा शाना है? वो छोटा मोटा शिकार नहीं करता, सीधा पागल हाथी को काबू में लाता है, यानी कि आसान शब्दों में तुम्हारी बैंड बजा देगा। और फ्री में एक एडवाइस देता हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आएगी, इंश्योरेंस करवाए बिना वीर सिम्हा के सामने मत जाना वरना बहुत पछताओगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चटनी तो रहने दे। सुनिए, जरा ये बताइए मैडम, में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पसंद आई? क्या दिल में बसी है वो मोहतर माँ? क्या दिल में बसी है? अबे बोलने तो दो। बोलने दो। दिल में बसी है वो मोहतरमा, पापा के लिए है वो परी, तो शौहर के लिए है वो हूर परी, मैं हूँ वो ग्रेवी जिसकी है वो तरी। सर एक पेचीदा सवाल है पूछ रहा हूँ, आप हो खटारा कार और वो है सुपर कार, दोनों की कैसे होगी टकरा? तू इतना मत कर तुलना, क्योंकि मुझे तो उसकी गोद में झुलना। एक गजब का आइडिया तू, हाँ जल्दी दे। मेरा मतलब गजब का सर, मैडम रेड कार्पेट पे अनारकली की तरह आ रही है, आप घुटनों पर बैठ कर तलवार की जगह फूल निकालिए और प्यार का इजहार कीजिए। सर जब उसके सामने खड़े होते हैं तो छोटे से बच्चे लगते हैं, अगर घुटनों पर बैठ गए तो उसके पैर के नीचे से निकल जाएंगे। क्या बात कर रहा है? अबे चुप, बासी समोसा खा रहा है, कम से कम ताजा आइडिया तो दे। हाँ आइडिया आ गया सर, कल देता हूँ सर सैंडविच के साथ। अरे मेरे सिपाही हो, कमांडर को जंग लड़ना तो सिखाओ। चलो ठीक है बताई देता हूँ, एक ऐसा आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। अरे रुको सर, आइडिया को प्रकट तो होने दो। आप जाकर उनसे बोलना कि मैं हूँ मजनू और तू है मेरी लैला, मैं हूँ तेरा रोमियो और तू है मेरी जूलियट, तू है मेरी शिरीन और मैं हूँ तेरा फरहाद, और इसके बाद वो आपकी। अबे जितनी भी जोड़ियां इन्हें बता रहा है, एक की भी लव स्टोरी पूरी नहीं हुई है। सर मैडम पधार रही है। अरे अनारकली आ गई, मेरे हाथ में देख फूल की कली भी नहीं है, तुम लोग मरवाओगे। मलिका, आज हम आपको कुछ सुनाएंगे। क्या कहा आपने, मुझे उठाएंगे? आपको तो जेसी भी नहीं उठा सकता, हमारी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्या? आपको नगमे सुनाऊंगा गुप्ता जी के समोसों के साथ। समोसे से मुझे एलर्जी है, मैं डाइटिंग पर हूँ, बताइए क्या बात है? कह दू? बोलो ना। आ रहा है। कैसे वीर सिम्हा? हाय। अरे जैसे ही मोमबत्ती में आग लगती है फूंक मार के बुझा देता है। हाय हैंडसम। हाय। अच्छा हुआ आप आ गए, वो चिरकुट मुझे समोसे के लिए ऑफर दे रहा था। चिरकुट? और वो मैचो मैन? आखिर बात क्या है? वो बोर कर रहा था। उसे बोर करने दो, तुम इग्नोर करती रहो। बस गया। ये बताइए आज रात क्या कर रहे हैं आप? वैसे तो फ्री हूँ। तो आज रात मुझसे मिलने मेरे घर आ जाइए। मिलकर क्या करेंगे? डिनर करेंगे और क्या। डिनर ना, तो फिर इस बोरकर को लेकर जाओ। जाओगे ना बोरकर? नहीं, बोरकर जी बहुत मेहनत करते हैं, रात भर इनकी बीवी इनसे कपड़े धुलवाती है, फिर इनसे अपने पैर दबवाती है, बाद में ना जाने इनसे और क्या क्या करवाती है। अरे खाने के लिए इनवाइट करना मेरी हिस्ट्री क्यों बता रही है? रात में मिलते हैं, बाय बाय। जिसे दावत दे रही है, अगर कहीं वो बगावत पे आ गया ना तो तेरी शामत आ जाएगी। हाय। हाय। आइए ना। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। ओ, तुम्हारे लिए। ओ, थैंक यू। इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। खोलूं इसे? बेशरम। हाँ, मुझे गर्मा गर्म चीज खाने का शौक है। चलो शुरू करते हैं। तुम खाना अच्छा बनाती हो, लाजवाब था। वो बंदा बहुत खुश नसीब होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। ठीक है, बस आप मेरे दिल की बात समझ जाइए, आपकी दुनिया सवार दूंगी।
चल बता, कुछ याद आया तुझे? कितनी बार बोला नहीं पता मुझे, अब मेरे छोकरों को छोड़ दे। अभी याद नहीं आया? नहीं, दिल्ली के किसी कॉलेज में। कौन से कॉलेज में याद नहीं? कितना वक्त लगेगा? एक आध घंटा लगेगा। इसे ठीक करके कॉलेज ले आना, मैं चलता हूँ। ठीक है। देख रहे हैं? बुक। बुक को नहीं, मुझे पता है तुम क्या देख रहे हो। ये ऑटो वाले कैसे चला रहा है? कितने लोगों को बिठाएगा? ये पब्लिक ऑटो है मैडम, जानवर पैसे देंगे तो उनको भी बैठाऊंगा। पूरे जंगल को बिठा, लेकिन अदब में। ऐसे आदमियों की फितरत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ब्रेक का फायदा उठाते रहते हैं। ऐसे आदमियों को बीच चौराहे पीट देना चाहिए। ए, क्या बकवास कर रही है? आवारा टपोरी। सर, सल्यूट तो ऐसे कर रहा है जैसे सोल्जर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पीछे पड़ गया। प्रपोज कर ही देगा। हेलो। हाय। मेरा नया एडमिशन हुआ है। मैं पुराना हूँ। एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। गुंडा? वो भी हमारे कॉलेज में, हमारे रहते हुए। कौन है रे वो? आज तो खून खराबा होगा। वो है क्या? नहीं, वो है वो वहाँ। ज्यादा मत मारना, बस चेहरे का नक्शा बिगाड़ देना। लगता है गुंडों की टीआरपी में पहले नंबर पर है। प्रिंसिपल सर, आज मेरा पहला दिन है। उम्मीद के मुताबिक। सर, आपने कैसे कैसे गुंडों को एडमिशन दिया है? इसकी उम्मीद नहीं थी। वैसे हुआ क्या? यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो बदतमीज? इसकी तो उम्मीद नहीं थी। ये तो कॉलेज की वन मैन सिक्योरिटी है। इसका नाम है वीर सिम्हा, बहुत बढ़िया प्रोफेसर है। ये रहते हैं फायर की तरफ। प्रोफेसर से फ्लावर है। इनके रहते कॉलेज की सिक्योरिटी की कोई फिक्र नहीं है मुझे। ओ वीर सिम्हा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। ये रागिनी है, अपना बोरिंग कॉलेज छोड़कर ये हमारे इंटरेस्टिंग कॉलेज में आई है। हाय। मर गई। सर 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 सर, सुनिए, रुकिए ना सर। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके। By the way, मैं तुम्हारी बुक ही देख रहा था। क्या कर दिया? क्या कांड किया इसने? जो भी हुआ हो, तुम क्यों पंचायत कर रहे हो? अरे इसी पंचायत से तो मेरा घर चलता है। जिस दिन काले अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा, देखना उस बीच वाले पिल्लर पर, तो तुम ही स्प्रिंग की तरह उछल उछल कर मेरे नाम के नारे लगाओगी। सरों में सर बोर कर, मैं हूँ प्रोफेसर। सर शक्ल धोखा दे जाती है। वैसे क्या देखा उसने? बुक सर। दिखाओगी मुझे? किसी की बुक देख लेता है तो किसी की कहानी पढ़ लेता है। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पहले दाने डालता है। वो भरोसे के लायक नहीं, उसे अपनी किताब से फाड़ दो, मन करे तो जला दो, वरना वो तुम्हें भी पढ़ लेगा और तुम फेल हो जाओगी। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ए, ये सब क्या है? ए, दफा हो। अभी तुम्हें बताती हूँ, प्रिंसिपल से कंप्लेन करूं? ए, बोला ना जा। पिछले साल तूने टॉप किया था ना? जी सर। हाथ में क्या है तेरे? अरे कुछ नहीं। कहाँ से आया ये? जाने दीजिए सर। बता किसने दिया? सर ये बॉबी ने दिया, वो ऊपर है सर स्टोर रूम में। मुझे जाने दीजिए।
क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? या पढ़ने आते हो या नशा करने? ये कॉलेज है, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। हाथ क्यों उठा रहा है? हमारा बाप है क्या? पापा, इसने हाथ उठाया। रईस बाप की बिगड़ी औलाद, हट, घूर मत, वरना आंखें निकाल लूंगा। जा, अपने पिताजी को लेकर आ, जा। यही है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? तो इसका बाप है क्या? नहीं तो? तू बाप है क्या? नहीं तो? अब मैं बाप नहीं हूँ। ये तेरा बेटा तो लगता नहीं है। जा, इसके असली बाप को लेकर आ, उसी से मैं बात करूंगा। तू रिस्क मत ले, चल जा, निकाल। भाई, वो हमारी ये कह के धुलाई कर रहा है कि हम उसके बाप नहीं हैं। अपने सारे पंटर यहाँ सो गए हैं। भाई आप जल्दी आ जाइए, वरना वो मार मार के हमें यहीं दफना देगा। सर! ये कैंपस तेरे बाप का है क्या? मेरे बाप का तो नहीं है, लेकिन शरीफ बापों के शरीफ बच्चों का जरूर है। ये बात तेरी बिगड़ी हुई औलाद को समझानी थी, वो मैंने अपने स्टाइल में समझा दी है। मतलब तू मेयर के बेटे को मारेगा? माफ करना, सिर्फ बेटे को मारा। अब अगर एक सवाल पूछा तो तुझे भी जिंदा कर दूंगा। hey! Hey! इस कान को ज्यादा ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है, मेरे कान में तेरी आवाज चुभ रही है। आइंदा ऊंची आवाज मत करना। जब कोई शख्स कानून तोड़ने की जरूरत करता है तो तू रिश्वत खाकर मामला सलटा देता है, पर अगर कोई कॉलेज में कानून तोड़ता है तो सर से पांव तक सब तोड़ देता हूँ। तेरे बेटे को मारा तो तेरे दिल में दर्द हुआ, अगर मेरा स्टूडेंट बिगड़ता है तो मेरी हटती है, और अगर मेरी हटी तो। मैक्स का हर एक सवाल सुलझाने के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन गुंडों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। उसे सही राह पर लाने के लिए शराफत का फॉर्मूला फेल हो जाता है, ऐसे वो ठीक नहीं होता। पिटाई ही सॉल्यूशन है। बच्चे गलत रास्ते पर जाए तो उसे प्यार से समझाओ, ना समझे तो उसे डांटो, फिर भी ना माने तो मेरे पास भेजो। मैं ऐसे प्यार से समझाऊंगा कि उसकी तरक्की पक्की है। मैंने हर बैक बेंचर को क्लास का टॉपर बनाया है और साथ में उसके बाप को भी ट्यूशन दी है। जाओ, निकल। तुम ठीक तो हो ना? जी सर। चोट ज्यादा गहरी तो नहीं? नहीं, टेंशन मत लीजिए। गुड जॉब। ये चाकू मुझे लगने वाली थी, आज अगर मेरी जान बची है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्वीट्स। पर बात क्या है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए में मेरा एडमिशन हो गया है सर। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, ये आपके अच्छे गाइडेंस का नतीजा है सर। हाय सर। हाय, तुम ठीक तो? ठीक हो सर। कौन है ये? दादी, ये मेरी स्टूडेंट है। नमस्ते दादी। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो कॉलेज के स्कूटी फिसलने से इसे चोट लग गई थी।
अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल। आपने झूठ क्यों कहा? क्योंकि दादी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। अरे सर आपके चेहरे पर मुस्कान कैसे? रागिनी मैं सिर्फ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ लेकिन बाहर तो आम इंसान हूँ। फिर तो आपसे बाहर ही मिलना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं। टेक केयर। हेलो सर। हाय। चोट कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है सर। आप रोज लाइब्रेरी आते हैं? मुझे शौक है। उस दिन ऑटो में मैं आप बुक ही देख रहे थे। तुम लोग चलो मैं आती हूँ। हाय। हाय। अकेली आई हो? दोस्तों के साथ। ओके कैरी ऑन। ओके बाय। बाय। हाँ सॉरी सर। सो सॉरी सर। कोई बात नहीं सर। ये कॉलेज किसी के बाप की जागीर नहीं है, शिक्षा का मंदिर है जहाँ लोग पढ़ने आते हैं। मैं कॉलेज में कुछ भी करूं तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? आज तुझे पछतावा होगा कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। सर रागिनी को चल छोड़ो, छोड़ दो मेरा हाथ। इतनी हिम्मत कैसे हुई? भाभी भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। ए जल्दी से जाके भाभी को ले आओ, भागने ना पाए। आज तक जिसने भी मेरी भाभी को छुआ मैं उसका हाथ काट देता हूँ। ऐसा है क्या? और अब तेरी जुबान भी। अबे राग बतौले मत दे, आज तू मुझसे मिलने पे अफसोस करेगा। इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ। कौन थे वो लोग? वो तुम्हें अपनी भाभी क्यों कह रहा था? तुम्हारी शादी हो गई है? बताओ मुझे। मैं वाइजाक में रहती हूँ। मेरे पिता जेके एक बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरा भाई भी उनके साथ काम करता था। मेरे पापा का एक बिजनेस पार्टनर जिसका नाम बिल्लू था, पापा और उसमें अनबन हो गई थी। बिल्लू का बाप जो 28 साल से कोमा में था अचानक कोमा से बाहर आ गया।
पिताजी को भीम सिंह ने मिलने बुलाया। मेरे हिसाब से आपको अपने बेटे पर लगाम लगानी चाहिए। काफी जिगरा बढ़ गया है तेरा, बाकी सारी जिंदगी तो तू मेरे तलवे ही चाटता रहा है। कुत्ता कितना भी भौंभो कर ले, लेकिन शेर नहीं बन सकता। अब इस जंगल का राजा आ गया है, भौंकना बंद कर और जो मिला, वरना ऊपर जाएगा तू। तुझे लगा मैं उठ के अब वापस कभी नहीं आऊंगा, और तू हवा में उड़ने लगा। अब शैतान प्रकट हो चुका है, उड़ना बंद कर। अब तेरी जिंदगी और मौत की रस्सी मेरे हाथ में है। अब मेरी बात सुन ले, तेरी लौंडिया की शादी मेरे लौंडे से करवा दे, और एक वफादार कुत्ते की तरह रहे। अगर तेरी जीने की ख्वाहिश है तो। लेकिन ये कोई शादी नहीं बल्कि खुदकुशी है। तेरी बेटी से बोल, मौत से ज्यादा मजा शादी में आता है। मुझे अचानक घर बुलाया और इस बारे में मुझसे बात की। मुझे उससे शादी करनी ही नहीं है पापा। अब ये मेरे बस का नहीं है बेटी, तेरे बाप के हाथ बंधे हुए हैं। रागनी, तेरा हाथ किसके हाथ में सौंपा जाए इसका फैसला कोई और कर चुका है बेटी। होता कौन है फैसला करने वाला? तुझे पता नहीं वो कौन है? वो भीम सिंह है बेवकूफ। इंसान के रूप में वो एक हैवान है, हैवान। वो मगरमच्छ हम सबको निगल जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। हमें उसकी ताकत के आगे हार मान के झुकना ही पड़ा। ये सब तो साले साहब ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तू मेरा सर काटना चाहता था और तू कर क्या रहा है? मेरे पैर धो रहा है। अच्छा धो रहा है, मैं भी धुलवा लूं क्या? क्यों बच्चे लोग, सब इंतजाम बढ़िया है ना? एक नंबर है भाई। सुना, आज भाई की शादी है, धमाल मचाओ। भाई के सामने तो सब नौकर चाकर लग रहे हैं। कबूतर आ गया भाई। आज ये कबूतर नहीं उड़ने वाला, क्योंकि इस कबूतर के पर मैंने कतर दिए हैं। इधर आओ मेरे कबूतर। औरत का सहारा लेके जो शेर बनता है, जानते हो वो क्या होता है? वो होता है नमाज। रुक जाइए। अरे मेरे बेटे को मार दिया। वो लोग पूरी तैयारी से आए। एक एक को काट डालो। बस किसी तरह बच के वहां से हम निकल आए और पापा ने मुझे यहाँ भेज दिया, लेकिन वो अब भी पीछे पड़ा है। बाबा सबको पता है वो मेरी बीवी है, मैं उसे लेकर आऊंगा। किसी भी हालत में कोई नहीं बचेगा। ए, बेटा जिस्म पर जख्म देने से कोई फायदा नहीं है, दिल पे दो। उसने चालाकी से भगाकर अपनी लौंडिया को किसी और शहर में भेज दिया। अब तू उसकी लौंडिया को घसीट कर यहाँ ला और पल पल उसको तड़पा। बस उस दिन से लेकर आज तक मैं बस खौफ के सहम में जी रही हूँ। आज से तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए अगर तुम्हें किसी ने छुआ तो मैं कहर बनकर उस पर बरसूंगा। ए, खोल रैकेट, शेर आया है शेर। बीवी के सामने नहीं होता ढेर। अगर मेरी हटी तो दुर्घटना घटी। अरे बहन जी, घर में पति नहीं है क्या? इतना घिनौना काम कब से करने लगा? अरे मुझसे पंगा मत लो, तुम्हारा बीमा निकाल दूंगा। हमारा बीमा निकालेगा? अरे आज के बाद तू किसी का बीमा नहीं निकाल पाएगा। ए, शुरू हो जा। मुझे मारोगी? अरे हाथ तो लगाओ। किसको पीट रहे हो? इसकी धुलाई चल रही है क्या? तो मारो ना, पर पीट क्यों रहे हो? बताती हूँ भाभी, बाहर आइए। अरे ये बोतर में कौन है? यही तो हमें जानना है। तुम तो इंश्योरेंस एजेंट थे ना, ये सब क्या कर रहे हो? बताओ हमें। अरे ये ऐसे थोड़ी ना बताएगा, थोड़ा मार मार के लाल पीला करो तब ये बताएगा। अरे ये तो इनकी बहन है।
आ, सही कहा, ये मेरी ही बहन है। अरे हम दोनों के बाइसेप का साइज भी सेम है। बाल बाल बचा है, भाभी ने बचा लिया, अब बच्ची कसम पति पे निकाल लिए। जाइए दुनिया में भी अजीब करिश्मे होते हैं। एक दिन में मेरी बहन 18 साल की हो गई। इस करिश्मे का खुलासा मैं करता हूँ। ये मोहतरमा सर की स्टूडेंट है, कुछ समझ में आया? आड़ी टेढ़ी स्कीम बेचना बंद कर और बात सुन, ये तेरे घर रहेगी। तो मैं घर में कहाँ रहूंगा? तेरे घर में दो शौचालय तो है ना। शौचालय में रहना है तो माशा, ये बताओ मैं अपनी बीवी को कहाँ रखूंगा है? अबे चलती फिरती इंश्योरेंस की दुकान, तू कौन कौन सी स्कीम बेचता है सब मुझे पता है। ऐसा कर कुछ दिन अपनी बीवी से दूर रह, उसे भी थोड़ा दो पल जिंदगी के जीने दे। सही कहा। मेरी वजह से परेशानी हुई। पहले तुम मुझे करती हो परेशान और फिर बनती हो नादान। रागिनी तुम्हारी समस्या दूर हो गई है, चलो चलकर दादी से मिलते हैं। दादी माँ। नमस्ते दादी। हॉस्टल में से तकलीफ हो रही थी इसलिए पड़ोस के घर में इसके रहने का इंतजाम कर दिया है। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, अभी अभी पूजा हुई है, लो आरती लो। तुम्हारा परिवार कहाँ है? वाइजाग में है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी बिजनेसमैन है। मुझे थोड़ा काम है। मैं मदद करती हूँ। आ जाओ, सबको अपना बना लेती हूँ। भाईजान जरा एक मिनट, मेरे पेट में एक सवाल फुदक रहा है। हाँ पूछो पूछो। कि वो रहती वहाँ पर है और खाती यहाँ पर है, सोती वहाँ पर है, लेकिन पूरे दिन यहाँ रहती है, तो इतना तकलीफ क्यों ले रहे हो? उसको यहीं ठहरा दो ना। सही कहा ना अंकल? अच्छा? ये अच्छी स्कीम है ना। अबे इंश्योरेंस की दुकान, ये मसाज पार्लर है जो हमेशा मसाज करवाने आ जाता है। फुल मसाज, बॉडी मसाज, हेड मसाज, यहाँ आके फ्री में मसाज हो जाता है, एक घूसे में घुस जाता है। सही कह रहा है। कभी गलत कहा है क्या? जनता से पूछ लो। तुम्हें पता है वीर सिम्हा ने रागिनी के रहने का इंतजाम अपने पड़ोस में करवाया है। तेरा पत्ता तो कट गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। तो जल्दी बताओ। डायरेक्ट अटैक, उसकी इज्जत पे हाथ डालेगी। अरे बेशरम। नहीं नहीं, अगले हफ्ते कॉलेज के काम से हम दोनों बैंगलोर जा रहे हैं। बैंगलोर? हम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कमरा लेंगे। एक ही कमरा? सॉरी सर, इस वक्त एक ही रूम अवेलेबल है। ओके नो प्रॉब्लम, यही है मेरा कमाल का आइडिया। सच में? कमाल का है। मेरी हाई लगेगी देखना। एक काम करते हैं, दूसरे होटल में चलते हैं। नहीं वीर, हमें जरूरी डिस्कशन करना है, एक ही रूम ले लेते हैं। लेकिन तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। अगर चक्कू पे भी कद्दू गिरेगा तो कद्दू ही कटेगा ना। कुछ कह रहे हैं मास्टर जी? प्यार में विश्वास और अंधविश्वास दोनों ही हानिकारक होता है। अरे मास्टर जी के तो पेंशन के दिन चल रहे हैं, तुम अपनी कहानी का क्लाइमेक्स तो बताओ। हाय हाय हाय, ये औरतें तो हम मर्दों से चार हाथ आगे होती हैं। हम रूम में फ्रेश होने के बाद साथ में डिनर पर जाएंगे, फिर मैं एक वाइन ऑर्डर करूंगी। समय बारिश हो गई तो सनसनी छा जाएगी। अबे सनसनी छाएगी नहीं, ब्रेकिंग न्यूज पे आएगी। आप वहाँ अकेले क्यों सो रहे हैं? यहाँ आ जाइए ना। वीर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हें हग करके सो जाऊँ? प्लीज तुम्हें हग कर लूँ? अरे कहीं तो ब्रेक लगा। अगर तुम्हें डर लगता है तो पकड़ सकती हो। यस, कोई बात नहीं, होने दे तेरी ख्वाहिशें पूरी। और यहाँ पर मेरी रह जाएगी आस अधूरी, न जाने कैसी है मजबूरी। दादी माँ, ये सब किस लिए? आज कोई खास दिन है क्या? बेटा इसे त्योहार ही समझो तुम। परंपरा के मुताबिक आज के दिन हम हमारे कुल देवता श्री वीर नरसिम्हा देव की पूजा करते हैं। माँ का फोन? सॉरी दादी, माँ का फोन आ रहा है तो मैं बस एक मिनट में आती हूँ। हेलो माँ। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, घर पे सब लोग कैसे हैं? यहाँ तो सब कुछ पहले जैसा ही है, वही खौफ वही खून खराबा। तुझे वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं माँ, एक बहुत ही अच्छा परिवार है यहाँ, उन्हीं के साथ रहने का इंतजाम हो गया है। जब तक मैं इनके घर हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं। कौन है वो? वीर सिम्हा नाम है, मेरे प्रोफेसर है। मम्मी एक मिनट रुकिए, मैं फोन करती हूँ। दादी 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 क्या हुआ?
किसने मारा तुम्हें? नाम क्या था उसका? वीर सिम्हा। भाई, भाभी को देखा था। क्या कहा? मैंने भाभी को देखा था। कहाँ देखा? विजयनगर में। तुम्हारी दादी माँ बहुत ही डिप्रेशन में है। पिछले साल भी वो इसी वजह से बेहोश हो गई थी। एक ही वजह से बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होती। अब इस उम्र में उन्हें एक और अटैक झेलने की हिम्मत नहीं है। बेटा वीर सिम्हा। बोलो दादी माँ। मुझे घर जाना है, मुझे पूजा करनी है। आपकी तबीयत ठीक होते ही चलेंगे। पूजा के बाद गरीबों को खाना भी खिलाना है। ठीक है दादी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। आप जाइए, जाकर गाड़ी ले आइए। ए! ठोक गई तो क्या? फोड़ दिया तो क्या? ए! माफ करना। ए, गाड़ी हटा। अबे क्यों फोकट का मचांड कर रहे हो? भाई भाई ये तो बेहोश हो गया। इसकी गर्दन भी टूट गई है। तुम्हारे सारे आदमियों की पिटाई करने वाला एक ही शख्स है। क्या क्या बोला? क्या कहा तूने? जिसने इन्हें मारा है उसने इन्हें भी मारा है। मेरे नजरों के सामने था वो, मेरे सामने से निकल गया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, दादी माँ, ये लीजिए प्रसाद। यहाँ रख दे बेटा। दादी माँ, खाना तैयार है। मेहमान आते ही होंगे तो मैं जाकर सारा इंतजाम करके आती हूँ। लीजिए, चरण अमृत लीजिए। मेरे सामने था वो, निकल गया मेरे हाथ से बच के। भाई, मैंने आपसे एक बात छुपाई। क्या? किसी ने भाभी का हाथ पकड़ा था तो मैंने उसका हाथ काट दिया। अबे ये बात तू क्या अपने साथ कब्र में लेके जाने वाला था? जाओ तलाश करो, पूरे शहर में तलाश करो। किसी भी कीमत पर वो मुझे चाहिए। तुम
तुम आराम करो बेटी, मैं संभाल लूंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप? घर वालों ने तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखा है? अचानक आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं? जिस घर में भी जाओगी खुशियाँ ही लाओगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आशीर्वाद दीजिए कि मुझे जल्दी से ऐसा ही घर मिल जाए। क्या इस घर की बहू बनोगी? मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम इस घर की बहू बन जाओ। क्या बात कही है दादी माँ, यही चीज तो मैं कब से उन्हें समझा रही थी, लेकिन वो तो कभी मेरी तरफ देखते ही नहीं है। इतना सच धज के तैयार होती हूँ पर वो ध्यान ही नहीं देते। दादी माँ आप उन्हें प्लीज मनाइए ना। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। बोलिए दादी माँ, पूजा अच्छे से हो गई ना? तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे लिए कोई रिश्ता लेकर आ रहा है? नहीं बेटा, लड़की मैंने पसंद कर ली है। कौन है वो? मेरी पसंद ये है, मैं जानती हूँ तुम्हें भी ये पसंद है, ये तुमसे प्यार करती है। दादी प्यार व्यार सब साइड में, ये मेरी स्टूडेंट है, लोग क्या सोचेंगे ये। ए, क्या स्टूडेंट, तुम्हारे लिए मैं अभी से ही पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देती हूँ। दादी माँ कल से आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, दिन भर रसोई संभालूंगी और उसके बाद इनको संभालूंगी। देखिए कैसे रौनक आती है, और इनके जैसा पोता भी मिलेगा आपको। अरे अब बोलो शादी करोगे या नहीं? मालिक, उन लोगों को खबर मिल चुकी है कि रागिनी दिल्ली में। फौरन वहां जाने का इंतजाम करो। उसका नाम है वीर सिम्हा, वो प्रोफेसर है और वो लड़की मेरी क्लास में ही पढ़ती है, वो दोनों साथ ही रहते हैं और मुझे कुछ नहीं पता। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। Thank you.
नहीं, रुक जा। तुम अंदर जाओ, जल्दी जाओ। कोई अगर गलत नजरों से देखे तो मैं उसकी आंखें निकाल लेता हूं। उसने आप पर हमला किया दादी, आपने रोका इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन दादी माँ मैं चुप नहीं रहूंगा। आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर गांव में सरकार की हुकूमत नहीं थी, वहां हुकूमत थी कुछ हैवानों की। जमीन पर कब्जा करना या तस्करी करना या फिर नकली शराब बनाना, हर एक गैर कानूनी काम को बेखौफ अंजाम देते थे। मैं सबको कहता हूँ ज्यादा हवा में मत उड़ो वरना इसकी तरह गिर जाओगे। वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को तलवार के जोर पर हासिल करते थे। अगर किसी ने भी उनके खिलाफ जाने की जरूरत की, जिसने भी हमारे सामने आवाज उठाई है उसी वक्त हमने उसकी अर्थी उठाई है। औरत हो या बच्चा, मैंने किसी को नहीं बख्शा। तेरा वो हश्र करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। चल। उनकी लालच इतनी बढ़ गई कि नकली दूध बनाने का धंधा शुरू कर दिया और उसी नकली दूध की वजह से कई मासूम बच्चों की जान चली गई। जिन्होंने ये हादसा झेला वो मदद के लिए पहुंचे पुलिस के पास। शांत हो जाइए। क्या मसला है साहब? हमारे बच्चे मर गए गजराज सिंह की फैक्ट्री से बने हुए नकली दूध की वजह से। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग? मेरे बच्चे खुद उनकी फैक्ट्री का दूध पीते हैं। भगाओ इन सबको यहाँ से। चलो हटो, पीछे हटो। पुलिस के पास जाने की वजह से उन राक्षसों ने पूरे गांव पर कहर बरसा दिया। तुम लोग पुलिस स्टेशन जाओगे? ए,
अगर ऐसी किसी ने जुर्रत की तो अभी तो कुछ ही लोगों को मारा है, नहीं तो पूरे गांव को। तू जिंदा रहेगा तब मारेगा ना? अभी अभी तो तेरे घर के सारे मर्दों को सुला दिया, तो मुझे मारने कौन आएगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला कहाँ है? बुलाओ। ऊपर वाले से मिलने की ख्वाहिश बिल्कुल मत कर, अगर वो आ गया तो तेरी मौत पक्की है। पक्की तो मैं किए देता हूँ। तेरी मौत तो पक्का आ रही है, पहले मौत तुझ तक पहुंचेगी या तेरा ऊपर वाला, देखते हैं। अरे सुन, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है क्या? जब ऊपर वाले ने आपको ऊपर से देखा होगा तो नीचे आने का प्लान कैंसिल कर दिया होगा। देखना चाहता था ना ऊपर वाले को, तो देख वो आ गया। ए, ऊपर वाला आया है, स्वागत तो करो। जानता नहीं है तू? तेरी जान जाने वाली है, जान कर क्या करूंगा? अरे इसकी हालत तो देखो, मेरी मदद करो, चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, इमरजेंसी केस है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, इसकी हालत बहुत सीरियस है। सर सर प्लीज इसे देखिए ना, इसकी हालत बहुत खराब है, प्लीज इसे बचा लीजिए, इसे किसी ने बेरहमी से मारा है। इसके नसीब में मरना है। सर, पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए भगवान हैं। भगवान सिर्फ एक ही है।
सिस्टर, मैंने उसके हार्ट के सारे ब्लॉकेजेस निकाल दिए हैं। अब से मेरी लिखी हुई दवाइयां उन्हें दे देना और इंजेक्शन के डोज भी कंटिन्यू रखना। He needs 24 hour observation. ठीक है। ये जल्द ही मुस्कुराते हुए घर जाएंगे। प्रतापपुर के राजा का इकलौता वारिस विदेश से डॉक्टर बनकर आया था। वो अपने वतन सिर्फ इसलिए लौटा था कि बेसहारा और मजबूर लोगों की मदद कर सके। उसने अपने आलीशान महल को अस्पताल में तब्दील कर दिया। बेसहारा लोगों के लिए उसने बनाए कुछ ऐसे कानून जिनकी वजह से उनके साथ कुछ गलत ना हो, और वो इंसाफ का देवता बन गया गरीब और मासूम लोगों के लिए नरसिम्हा। अरे 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 मालिक आ रहे हैं, आ रहे हैं मालिक, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे ख्याल से राजा जी, मेरा खौफ ही तुम्हें यहाँ लेकर आया है। क्या कहा, खौफ? और मुझे? खौफ नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो फिर क्यों आए हो? एक ही बार बोलूंगा, जहन में बिठा लेना। आज से कोई गलत काम नहीं, तेरे जुर्म का पिटारा बंद करना पड़ेगा। अब और नहीं, फुल स्टॉप लगा। और नहीं लगाया तो? क्या गलत किया तो क्या कर लोगे? ज्यादातर इलाज दो तरीके से होता है, दवाई लेकर या फिर ऑपरेशन करके। ठीक वैसे ही गुंडों का भी दो तरह से इलाज होता है, या तो मार खाकर या परलोक सिधार कर। पहला वाला रास्ता अपना लो, वरना ऊपर का टिकट पक्का। कंफर्मेशन मैं देता हूँ। ये ना समझ है, इसे हमारा अंदाजा नहीं है, तभी तो हमें ये गलत और सही की तालीम दे रहा है। अभी मैं अलग कैरेक्टर में हूँ, दूसरा रूप लेने पर मजबूर मत कर, नहीं तो तैयार हो जाओ सुनामी का सामना करने। मेरे भाई को तूने मारा क्या? एक्शन रिप्ले देखेगा। इसका किस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन तेरे पास अभी मौका है अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने का। आखिरी वार्निंग है, गरीबों को सताना बंद कर दे और सुकून की जिंदगी बिता। पहले ही कहा था, सुनामी आएगी। एसपी साहब ने बुलाया है। बुलाया है? पहले कहाँ थे आप लोग? बंदूक के नीचे। आपका काम है लोगों की जान बचाना, और आप जान ले रहे हैं? मैं डॉक्टर होने से पहले एक आम इंसान हूँ, इसलिए मेरे लिए बीमारी से पहले समाज में जो खतरनाक बीमारी फैला रहे हैं उन्हें मिटाना ज्यादा जरूरी है। एक बात बता दूं डॉक्टर साहब, ये काम पुलिस का है। पुलिस कहाँ है? जब खाद में मिलावट की गई थी तो एक किसान ने आवाज उठाई, उसे मार दिया गया। कहाँ थी पुलिस? ईमानदार ठेकेदारों को मारा गया, गरीब घर के लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझकर उठा लेते हैं, तब कहाँ रहती है पुलिस? एक ईमानदार पत्रकार को सच्चाई बताने पर मार दिया जाता है, तब भी नहीं आई पुलिस। गरीबों से जबरदस्ती दस्तखत लेकर उनकी जमीनें छीन ली गईं। वो अपने हक के लिए आपसे हाथ पैर जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें करते रहे। कहाँ थी पुलिस?
अपनी अर्जी लेकर 300 गांव वाले मदद के लिए पुलिस के पास आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें ही जेल के अंदर बंद कर दिया। ये कैसी पुलिस? तब तो पुलिस का समीर सो गया था, अब गुंडों के लिए पुलिस जाग गई है। बोल। अब सर, दरअसल उन लोगों का भी इस गांव में काफी रुतबा है, आपके खानदान की तरह। क्या मेरे खानदान की तरह रुतबा है? एएसपी, तू अभी ठीक से मेरे खानदान को जानता नहीं है। इन गांव वालों के हक के लिए हमने अपना खून बहाया है। हमारा खानदान लोगों की भलाई के लिए काम करता है, रिश्वत खाके जेब गरम नहीं करता। भाषण देने आ जाते हैं। बस बहुत हो गई बातचीत, अब कान खोल के सुन ले एसपी। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ, उन सब का मरना तो तय है, 100% कंफर्म। तेरी बंदूक को परमिशन चाहिए, मेरी तलवार को नहीं। हेलो, क्या कहा उसने? सुनिए सर, मैंने उसे यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि डरा धमका कर उसे चुप करा सकूं, मगर वो एक ऐसा तूफान निकला जिसने मेरे ही ऑफिस में आकर मेरे होश उड़ा दिए। चाहे मेरठ हो या गाजियाबाद हो या फिर आजमगढ़, मैंने बड़े बड़े 30 मार खा देखे हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैंने किसी की आंखों में भगवान देखा है। भगवान नरसिम्हा दिखे हैं मुझे। या तो बुरे काम छोड़ दो या तो फिर दुनिया छोड़ दो। वो मामूली अफसर मुझसे कह रहा है गांव छोड़कर भाग जाओ। मेरे बेटे को उसने मार डाला और तू उससे खौफ खा के यहाँ चुपचाप बैठा है? हैं? खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा उसे मैं, वो जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। चिल्ला के तू ये जाहिर कर रहा है कि सिर्फ तुझे दुख है? शेर शिकार से पहले दहाड़ता नहीं है, तुझे भी मौका मिलेगा, तब देखेंगे। एक ये मेरा बेटा है जिसका खून खौल रहा है, और एक तू कायर है जो यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा है। लानत है तुझ पर। मिट गया सिंदूर, आज से तेरी बीवी विधवा हो गई। एक बात अच्छी तरह से समझ ले, उसके घर वाले भी इसी तरह रोते दिखने चाहिए। जब तक मैं नरसिम्हा का मरा हुआ मुंह न देख लूं, तब तक अपने बेटे की अस्थि का विसर्जन नहीं करूंगा। आपके लिए क्या लेकर आऊं, कॉफी या चाय? कुछ नहीं, वीर कहाँ है? पिताजी। अरे आओ बेटा। तो बताओ भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? एकदम जबरदस्त। इनके लिए खाने का इंतजाम करो। नमस्कार सिम्हा जी। नमस्कार। हाँ पंडित जी, बताइए। भगवान नरसिम्हा का वार्षिकोत्सव पास आ रहा है जजमान, वैसे तो आपको सब कुछ पता ही है, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको याद दिलाने चलाया। उस दिन मैं आपके परिवार की रक्षा के लिए एक पूजा करवाना चाहता हूँ। इस शुभ दिन पर पूजा करना तो इस घर की रीत है पंडित जी। भगवान नरसिम्हा की पूजा के बाद आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और हाँ, एक बात आप लोगों को और बतानी थी मुझे। आप सब तो जानते ही हैं कि एक पंडित के लिए पेट पालना ही कितना मुश्किल है, पर मेरी बेटी आप लोगों की मदद की वजह से आज डॉक्टर बन गई है, उसका विवाह भी तय हो गया है। ओह। भगवान नरसिम्हा की पूजा के बाद अगर आप मेरी बेटी का कन्यादान करेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा सिम्हा जी। आयुष्मान भव।
क्या अंकल डरा रहे हो? अंकल तुम्हें ये नाम सूझा कैसे? नहीं मैं अंकल ही कहूँगी क्योंकि आपकी उम्र 55 की और 55 का है। अरे क्या बात कर रही है, मैं तो स्वीट 16 का हूँ, परसों ही मेरा गोल्डन जुबली बर्थडे था। अरे लंबी लंबी मत फेंको ना अंकल, तुम्हारे लिए ही 16 सोमवार रखा है। चुप, 52 और रखिए, एक्सपायरी डेट आ जाएगी तब तक तो मेरे पोते पैदा हो जाएंगे, जल्दी से मंगलसूत्र बांध दे। अगर मंगलसूत्र बांधा और दूसरे ही दिन टपक गई तो क्या होगा? अब तो तुम्हारे नकली बाल भी झड़ चुके हैं, दिन ब दिन माइनस में जा रहे हो। और अगर मुझ जैसी कमसीन कली को अपनी बीवी बनाने की ख्वाहिश रखते हो तो सिम्हाजी की तरह उठा लीजिए तलवार और गजराज के आदमियों को ढूंढ कर टुकड़े टुकड़े कर दीजिए उनके, फिर मैं खुशी खुशी मंगलसूत्र बनवा लूंगी। और उसी तरह खून में लथपथ होकर जब मेरे पास आएंगे तो मैं 1 या 10 मंगलसूत्र बंधवाऊंगी और आपके साथ हनीमून पर चलूंगी लोनावला। तब हर कोई बोलेगा अंकल जय हो, अंकल क्या हो? कटेली कहीं तेरा सपना पूरा होते होते मैं सचमुच ना कर दिया हूँ। आपसे नहीं हो पाएगा, आपके भतीजे ने मुंडियों की सेंचुरी कर दी और आपसे चौका नहीं मारा जा रहा। चौका मारूं? तो टूडी ले लीजिए। टूडी? यूं भगाएगी तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। मेरे लिए यही टेंडर है। ये खेल हमारे शान के खिलाफ है, गिली डंडे में हम चैंपियन है। तुम फुसकी बॉम्ब। तू नरसिम्हा को जानती है ना? जानती हूं। वही तो, वो एक एक्शन हीरो है। तो तुम क्या हो? मैं रोमांटिक हीरो हूँ, बांसुरी वाला, मुझे प्यार देना और लेना आता है। चार मुंडी नहीं लाए तो सिंगल ही मरना पड़ेगा, सोच लीजिए अंकल। चार खोपड़िया काटू, आखिर कैसे काटू? ये तो सोचती है कि ये आम के पेड़ से आम तोड़ना जितना आसान है, मैं तो अपने बागीचे से 4 फूल नहीं तोड़ पाया और ये तोड़ने फोड़ने की बात कर रही है। 4 खोपड़िया। ठीक है फूलन देवी, मैं तुझे 40 लाख के दूंगा, वो भी लैब से ताजा ताजा। कैथिली, नरसिम्हा कहाँ है? आज वो कुछ नहीं खाएंगे। भाभी जी, आखिर चाहता क्या है नरसिम्हा? आप जरा उसे समझाने की कोशिश कीजिए, ऐसे खतरनाक लोगों से उलझ के उसे क्या हासिल होगा? उनसे फिजूल में दुश्मनी लेके क्या फायदा? गजराज सिंह और भीम सिंह वाकई बहुत खतरनाक लोग हैं। देखिए अगर ऐसा है तो आप ही समझा दीजिए ना। खाना खाइए। दीपाली। हाँ? बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछू। हाँ हाँ पूछो। यही कि नरसिम्हा जी इतने गुस्से में रहते हैं फिर भी आप जरा भी बुरा नहीं मानती, तो आप उन्हें संभालती कैसे हैं? वो भले ही गुस्से वाले क्यों ना हो लेकिन उनका दूसरा रूप मैं ही जानती हूँ। देखो जीजा जी आ गए। मैंने देख लिया। देखना अब उन्हें अच्छे से सताएंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना। अरे क्यों नहीं, डॉक्टर का भी इलाज होना चाहिए। नहीं आंटी ऐसा मत कीजिए। क्या है बोलो? वो दीपाली से मैं अभी कुछ रस्में बाकी हैं, 10 दिन और लगेंगे, बंद करो और सो जाओ। क्या दरवाजा? उफ़ बेवजह परेशान कर रहे हैं। क्या है जीजा जी? वो दीपाली से मैं जरा अभी कई रस्में बाकी हैं, 10 दिन और लगेंगे, चुपचाप बंद करो और सो जाओ। दरवाजा ना खिड़की। क्या हुआ जीजा जी? वो क्या है कि दीपाली से मैं कुछ रस्में और बची हैं, 10 दिन और लगेंगे, इसीलिए बंद करो और सो जाओ। सब बंद है अब क्या? अपना मुंह। ओफो जीजा जी का चेहरा देखने लायक था। ला 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 दीपाली। अरे कौन है? अरे मैं हूँ लड़की की चाची। आप हो क्या? मुझे लगा दीपाली है। ऊपर वाले दीपाली। मैं दीपाली नहीं हूँ, मैं दीपाली नहीं हूँ जीजा जी, छोड़िए मुझे। तुम यहाँ? मुझे लगा दीपाली है। दीपाली, दीपाली, बचाओ, तुम हो? अरे दीपाली सुन, वो हर लड़की को दीपाली समझकर गले लगा रहा है। अगर तू नहीं गई ना तो आज तो सत्यानाश हो ही गया। मुझे तो ऐसे
ऐसे पकड़ा जैसे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। टोटली ब्लाइंड हो गए हैं। मैं इतनी खूबसूरत तो फिर भी बेचारे धोखा खा गए। दीदी दीदी जीजा जी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। अरे तुम वहाँ चली जाओ वरना वो यहाँ आ जाएंगे। बापरे। वो सब तो कह रही थी रस्में बाकी हैं, उसे पूरा होने में 10 दिन लग जाएंगे, फिर क्यों आई? मैं रुक सकता हूँ? कैसे हो नरसिम्हा? कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? एकदम जबरदस्त। अकेले कर रहे हो या फिर? तुम्हें तो पता ही है कि मैं गजराज के साथ कोई। क्या तुम उन्हें जानते हो? मैं उनके साथ सिर्फ कारोबार में ही इन्वॉल्व हूँ, इसके अलावा वो क्या करते हैं उसमें मैं दखल नहीं देता। तेरा ध्यान नहीं है पर मेरा ध्यान है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास बेपनाह दौलत है नरसिम्हा, तुम जो भी चाहो कर सकते हो। मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कोई रुतबा हो, मेरा अपना कारोबार हो। जगदीश, अगर पैसे कमाने हो तो बिजनेस करके कमाओ, गरीबों की लाशें बेचकर नहीं। मैं भी बिजनेस की ही बात कर रहा हूँ। अब धंधे में थोड़ी बहुत बेईमानी तो होती है। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा दयावान नहीं बन सकता। मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ तुम्हारी तरह। बाकी चीजें भूल जा, जो मैं कह रहा हूँ उसे अच्छी तरह से दिमाग में बिठा। गजराज और तेरे बीच में जो भी कारोबार है इसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। अगर इस कारोबार की वजह से किसी की जान चली गई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब मैं इंसाफ करता हूं तो अपना और पराया नहीं देखता, तो तू ये मत सोचना कि तुझे बख्श दूंगा। सुनिए। हाँ। खाना तैयार है। आ रहा हूँ दीपाली। सुन, तुम्हारी भाभी खाना अच्छा बनाती है, चल साथ में मिलकर खाते हैं। ये रहा मेरा शाही टुकड़ा। कचेरी, दिल रुबा, तुझे यूं देखकर दिल थर्रा रहा है। ऐसा क्यों? अगर तू हाँ कहती तो इन बर्तनों की नहीं मेरे बच्चों की पीठ घसती, और घिसोगी तो घिस जाओगी। तुम जाओ अंदर, कोई और कर लेगा ये। अपने बचपन की मोहब्बत के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते? अरे मेरी कटेली, तेरे लिए शौचालय साफ कर दूं, ये बर्तन आखिर क्या चीज है? तू हट। अच्छा धो रहा हूँ ना? एकदम धोबी लग रहे हो। अगर इसी तरह गुंडों को धोबी पछाड़ देते तो मजा आ जाता। अरे फरमाइश चैनल, गुंडों को धोना इतना आसान है क्या? ज्यादा बड़बड़ की तुझे भी धो दूंगा। थोड़ा आराम से, और बारी, और बारी। हाँ, मस्त कटिंग है ना? मस्त। अरे वाह चाचा जी, आपको घर के कामों में कितनी दिलचस्पी है, तो कल से खाना आप ही बनाइए। अच्छा है आप कटीले के हाथ पीले कर देते हैं, आप इसका कन्यादान कर दीजिएगा। तो नहीं, सब्जी कटेंगी, बर्तन घिसेंगी, दूध निकालेंगी, बर्तन धोएंगी, सिंदूरी उठाने के लिए। इस कटीली का कन्यादान हम नहीं कर सकते। अरे कटीली से हम प्रेम करते, हमसे उसकी शादी करवा दो। तो क्या माजी को पता है? नहीं पता। आप फौरन जाके माजी से बात कीजिए। बात करनी, बात करनी। हेलो, बोलो। रात को नींद नहीं आती है। तो क्या मैं आकर तुम्हें लोरी सुनाऊं? वो क्या है कि आपसे शादी की बात करनी थी। फिलहाल शादी का मूड नहीं है। मजाक छोड़िए ना भाभी, मैं अपनी शादी की बात कर रहा था। अच्छा हा? लेकिन ये बताओ, इतना बड़ा कलेजा है किसका? इस घर की नौकरानी करने के लिए तैयार है। कौन? अरे दी वन एंड ओनली, दिमाग से हटेली अपनी कटेली। अब बांध दो हम दोनों की डोरी, कर दो मेरी बचपन की मन्नत पूरी। कटीली? अरे वो तो बहुत अच्छी है। हाँ वाकई, उसकी जिंदगी में कैसे बर्बाद होने दूं? अरे बर्बाद? ठीक है, वो मान गई। आप मनवा लीजिए ना, मैं इंतजार करूंगा। बुलाओ उसे। मैं आ गई। तुझे ये बुद्धू पसंद है? हाँ जी पसंद है।
आखिर इसमें क्या दिख गया तुझे? इतनी गहराई में जाएंगे तो सब मिस्टर इंडिया हो जाएंगे। मिस्टर इंडिया का नाम मत लो। मैंने कभी कभी मालकिन, ये सिर्फ दिखने में ही एक्सपायरी डेट लगते हैं। सबसे ऐसे काटते हैं जैसे कोई बावर्ची हो। शांता बाई से अच्छे बर्तन धोते हैं, दूध ऐसे धोते हैं जैसे कि तबेले के मालिक हो, और मेरी किसी भी बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। अब आप ही बताइए कि इतना नेक और पाकीज़ा आदमी मुझे भला कहाँ मिलेगा? अब आप कहें तो ये सलीम और मैं अनारकली बन जाऊं। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को क्या हो गया है, इसे देखिए डॉक्टर साहब। हर एक पेशेंट की जांच ठीक से हो? हाँ डॉक्टर साहब, सब ठीक से हो रहा है। सब पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स ले लिए। अच्छा। डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, आपके शौहर को कुछ नहीं होगा, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घबराइए मत, हाथ दिखाइए। इसी वक्त का इंतजार था मुझे। पूरे गांव के सामने मेरे भाई को जान से मार दिया और यहाँ आकर लोगों के सामने मसीहा बनने का ढोंग कर रहा है। यहाँ पे सारे पेशेंट्स हैं, अपनी आवाज नीची रखो। यहाँ के लोग जिए मरे या चाहे जो करे, इन लोगों के साथ क्या करना है ये बताने वाला तू कौन होता है? ए, हटाओ ये सब। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच है, मत से आकर लड़। 10 नहीं 100 लाना, उसके बाद सारी फौज ले आना। जब बोलेगा, जहां बोलेगा, आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं। जा। किसी का इलाज नहीं होगा यहाँ पर, मरने दो इन सबको। अगर तुझे मारा तो डॉक्टर की जिंदगी बीत जाएगी इलाज करते करते। निकाल, वरना एक बेड और लगेगा। डॉक्टर साहब, मेरे पति को आराम मिल गया। ट्रिप चालू रखना और थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें देखते रहना, ठीक है? इन भूखे नंगों को बचाकर क्या मिलेगा? क्यों परेशान हो बेटा? आज ये जिंदगी किस मोड़ पे ले आई माँ? जान बचाने के लिए जान लेनी पड़ रही है माँ, ना चाहते हुए भी मुझे हथियार उठाना पड़ रहा है। और अफसोस ये है कि जिनके लिए मैं ये कर रहा हूं वही लोग आज मुझसे डर रहे हैं माँ। किस लिए? क्या मैं किसी गलत राह पर तो नहीं चल रहा हूं ना? नहीं बेटा, तू भगवान नरसिम्हा का खेल समझ नहीं पाएगा। उनका हाथ बचपन से ही तेरे सिर पर है। पापियों का अंत करने के लिए उन्होंने खुद तुम्हें चुना है बेटा। न्याय की लड़ाई लड़ने या राक्षसों का सर्वनाश करने, देवताओं ने भी शस्त्र उठाए और इसमें कुछ गलत नहीं। जब उन्होंने भी ऐसा किया तो तू तो मामूली इंसान है। राम भगवान पहले सिर्फ राजा हुआ करते थे, वो भगवान बने रावण का वध करके। लोग तुझसे डरते नहीं, तेरा सम्मान करते हैं। तू वो महान योद्धा है जिसने इस गांव की धरती को अपने खून से सींचा है। तू इस गांव की वो आखिरी ज्योत है जिसे दुनिया की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। राक्षसों का वध करना, उन्हें खत्म करना कोई पाप नहीं,
माँ के लिए गर्व की बात क्या है शायद तुम्हें पता नहीं। अगर उसका बेटा उसे पूछे, उसका ख्याल रखे, उसे हर खुशी दे, अगर वही बेटा दुनिया की हर एक माँ का ख्याल रखे, तो वो माँ दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ होगी। नरसिम्हा भगवान साक्षात मेरे बेटे के रूप में मेरे पास आए हैं। पहले जब मैं घर से निकलता था तो लोग मुझे देखकर थर्रा जाते थे, लेकिन आज उन्हीं लोगों की ये मजाल हो गई कि वो आज मेरे चेहरे की तरफ देखकर हंसते हैं। क्या मतलब है ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी का? कहता है क्राइम किया तो मार डालेगा। अरे हम कोई अहिंसावादी हैं क्या? जुर्म करना तो माँ के पेट से सीख के आया हूँ मैं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? क्राइम करता था, क्राइम करता रहूंगा, देखता हूँ क्या करता है वो, मार देगा क्या मुझे? इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए, हम उसे खत्म कर देंगे। उसका ऐसा हश्र करेंगे कि गांव के हर आदमी की रूह कांप जाए। अब वो वक्त आ गया है जब मेरा शेर बेटा उस डॉक्टर को सबके सामने मारेगा, और तब उसकी लाश देखकर मुझे सुकून मिलेगा और मेरे बेटों की आत्मा को शांति। सुना नहीं तूने? कुछ बोलेगा या नहीं? मैं दिलाऊंगा अपने भाइयों की आत्मा को शांति। नरसिम्हा की मौत सिर्फ मैं लिखूंगा। ए, दिमाग घूम गया है क्या? तुम अच्छी तरह जानते हो नरसिम्हा क्या चीज है। वो ऐसा तूफान है जो दुश्मनों की आबाद जिंदगी को पूरी तरह से तबाह हो बर्बाद कर देता है। उसका वो जबरदस्त रूप तुम दो बार देख चुके हो, बचो उससे। उसे मरना होगा, वो भी मेरे हाथों। डॉक्टर नरसिम्हा कहाँ है? किसी जरूरी काम से वो बाहर गए हैं। जरूरी काम? किसी की जान बचाने का या जान लेने का? बैठिए। मैं मुजरिमों के घर में नहीं बैठता। वो आए तो उसे बता देना कि अब तक जो वो करता आया है वो आगे से नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी करना, दिन दहाड़े खून खराबा करना, ये सब मेरे होते हुए कतई नहीं चलेगा। फिर भी अगर उसने ऐसा किया तो घसीट कर थाने ले जाऊंगा, बख्शूंगा नहीं उसे। पहली बार आप घर आए हैं, कॉफी लेंगे या चाय? एनकाउंटर के बारे में तो सुना होगा ना? ये पुलिस वालों का वो खेल है जिसमें नो केस नो इंक्वायरी ओनली। ऐसा खेल तो वो भी खेलते हैं, और वो भी बहुत पहले से। उनके भी रूल्स ऐसे ही हैं, नो पुलिस नो इंक्वायरी नो केस। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? वो डॉक्टर है, लोगों की जान बचाते हैं। डॉक्टर के लिए कितना तकलीफ दे होता है अपने हाथों से किसी की जान लेना। वो किन मुश्किलों का सामना करते हैं अंदाजा है? उनके अंदर गुस्सा नहीं बल्कि लोगों के लिए हमदर्दी है। वो लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करते। किसी वैशी दरिंदे की हत्या करके जब वो घर वापस आते हैं तो पूरी रात चैन से सो नहीं पाते। हमारे घर में उस रात चूल्हा तक नहीं जलता, जबकि उस दरिंदे के मरने पर पूरा गांव जश्न मनाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। दूसरों की तकलीफ को खुद की तकलीफ बनाने वाले एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने इस गांव के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उनके इस त्याग और बलिदान को सराहने के बजाय आप उन्हें गुनहगार मानते हैं। एक महान योद्धा है वो। तुम जैसे 100 वर्दी वाले भी अगर एक साथ उनके सामने आ जाए, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। अगर अन्याय बढ़ा तो वो उसका न्याय करेंगे और सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा। ये आपकी नजरों में भले ही एक जुर्म है, पर मेरी नजरों में इंसाफ है, जो हर इंसान का हक है। ये न्याय अन्याय की लड़ाई है,
और जान की परवाह किए बिना लड़ेंगे डॉक्टर नरसिम्हा। उनके उसूलों को समझना आपके बस की बात नहीं है। वो तूफान नहीं रुकेगा। अब आप जा सकते हैं। कैसे आना हुआ ऑफिसर साहब? कुछ जरूरी काम तो नहीं था? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आपका काफी नाम सुना था तो सोचा आपसे मिल लूं। चाय कॉफी लेंगे आप? नहीं, चलता हूं। बेटा जाओ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा के लिए जाना है। जी माँ। भगवत आज्ञया भगवत कैंकरे रूपम लोक कल्याणार्थम विश्व शांत्यर्थम यजमानस्य वंश संरक्षणार्थम ज्वलन्तं सर्वतो मुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् वज्रनगाय विद्महे दीक्षदकृष्णाय धीमहि यजमान संरक्षणार्थं संकल्पित याग कर्मणि अग्निप्रतिष्ठापनार्थं त्रिदिवसोर देवता वाहनं करिष्ये। सुन रे पंडित, इस लोटे में जहर है और इसे पी के पूरा परिवार खत्म हो जाना चाहिए। इसे तू उन्हें पिलाएगा। पंडित जी, इन्हें जल दीजिए। जल दीजिए पंडित जी। क्या बात है पंडित जी, सच सच बताओ क्या बात है पंडित जी? मत पूछिए सिम्हा जी, मुझे कुर्बानी देनी है। कुर्बान तो होगा दुश्मन, वो भी मेरे हाथों। बताओ, यदि मेरी बेटी के मरने से पूरे गांव का भला होता है तो मर जाने दीजिए उसे, मैं ये गम बर्दाश्त कर लूंगा। ये तो खुद ही यमराज के पास चला आया। नरसिम्हा, आज तुझे कोई दुआ बचा नहीं पाएगी। इंसान के जन्म की तारीख और मौत का समय कोई तय नहीं कर सकता, तो तू क्या करेगा? ये विधि का विधान है या किस्मत का खेल? क्यों रुक गया रे? पता था ये है तेरी कमजोरी। मैं जब खड़ा हो जाता हूँ तो लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं, बस पेशाब नहीं रुक पाती। लेकिन आज वही लोग मेरे सामने मेरी नजर से नजर मिला के चल रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि यही तेरी फितरत है, हर एक का रहनुमा बनकर सभी को अपना बना लेता है और उनके दिलों पर राज करता है। जब भी कोई तुझे मदद के लिए पुकारता है बचाओ, तो तू कहीं भी हो फौरन उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। तेरे इस गुरूर को आज मैं खत्म कर दूंगा। फेंक, चल फेंक हथियार। आ, इधर आ, मेरे कदमों में गिर। Hey!
पिताजी। मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया ना, मैं तुझे खत्म जरूर करूंगा, लेकिन पहले जरा देख इसे। तेरा बेटा और माँ दोनों हमारे कब्जे में हैं, आज सब खत्म। तू मर्द नहीं है ना, मर्द है तू, एक कायर है तू, जिसने धोखे से इन्हें फंसाया। असली मर्द तो ये है जो तलवारों के बीच सर उठा के खड़ा है। सुनिए, मेरी आंखें बंद होने से पहले यहाँ जितने दरिंदे हैं, इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। జన సంహరుడు భూతన సమాశకుడు పాలని ధ్యాన జ్వాల ప్రభాకరు భూమధుల దుర్జనుల దుర్మార్గ వర్గముల కండ కొండలి దాల్చి చెండాడ కదిలాడు భీమ సహీశలను సింహోగ్రము నిజగణ సింహుడు సింహ पिताजी क्या हुआ?
कुर्बानी दे दी। मेरी आंखों के सामने उसे मार दिया गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। ये बूढ़ी माँ आज भी उस बेटे और बहू के लिए रोती है। उनकी याद हर वक्त तड़पाती थी, लेकिन तुझे देखकर सब्र करती थी। तुझे पाल पोस कर बड़ा करना ही मेरे जीवन का मकसद बन गया। सिर्फ तेरे लिए वो गांव छोड़ा ताकि तू पढ़ाई करे और इन सब चीजों से दूर रहे। मुझे डर था कि तू कहीं अपने पिता की तरह अपने हाथों में हथियार ना ले ले। तू इन सब चीजों में मत पड़ना। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी ये दादी जीते जी मर जाएगी। दादी, मैं जाबाज बाप का जाबाज बेटा हूँ। मेरे पिता ने गरीब और मजलूम लोगों की हमेशा मदद की है। अब मेरी बारी है। कहाँ जाना है? उसी हवन मंडप में जहाँ पर आखिरी बार मेरे पिताजी ने मुझे बिठाया था। उनका मकसद साफ था कि उनका बेटा उनकी जगह ले। लेकिन आप कभी नहीं चाहती थी कि मैं इन सब चीजों के बीच में पड़ूं, इसलिए मुझे इससे दूर रखा। मैं एक बब्बर शेर हूँ और एक बब्बर शेर अपने इलाके में किसी और का राज नहीं होने देता। मैं वो अपराधी हूँ जिसने दौलत की लालच में खुद अपने ही हाथों से अपने भाई जैसे दोस्त का घर उजाड़ दिया। अगर उस वक्त मैंने अपने दोस्त का कहा मान लिया होता तो जिंदगी के इन उतार चढ़ाव और जद्दोजहद में मैं आज अकेला ना होता। इस लाचार बाप को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली। मेरे बेटे को मेरी नजरों के सामने कत्ल कर दिया गया और मैं हाथ पे हाथ धरे देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज वक्त ने मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया है। उस दर्दनाक हादसे के बाद ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा वंश खत्म हो गया, लेकिन अब ये गुनाहगार वीर से तेरी शादी करवा कर अपने पापों का प्रायश्चित कर लेगा। बेटी खुश रह। ए, रुक बे। ए, क्या कर रहे? अपनी बीवी को ले जा रहा हूं। ठीक है, ले जा। अरे रुको, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अपनी बेटी को अपने हाथों से मौत के कुएं में धकेल दिया। जिसे वो ले गया है वो उसकी मौत का पैगाम है। इतनी अकड़ क्यों? तेरे प्रोफेसर कितनी औकात नहीं कि वो तुझे यहां बचाने आया है, समझी? और अगर आ भी गया तो उसका जनाजा उठाऊंगा यहीं से। क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ बाबा को? बापू को उठा के ले गया। कौन ले गया? हैरानी हो रही है तुझे भीम सिंह? याद है तुझे इसी जगह पर तूने मेरे बेटे और बहू का कत्ल कर दिया था, और देख किस्मत आज तुझे उसी जगह पर ले आई है। आंखों के सामने कोई अपना मरे तो कलेजा फटता है। तूने इस बदकिस्मत माँ की कोख को उजाड़ा था। शायद तू इसी दिन के लिए जिंदा है कि तू अपने बेटे की मौत अपनी आंखों से देखे। बाबा, किसकी मजाल हुई तुझे यहाँ लाने की? इसकी, इस बुढ़िया की? ए,
ये सिर्फ बुढ़िया नहीं, मुसीबत का दूसरा नाम है। इसके बेटे ने मेरी सल्तनत को एक बार पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और मैंने ही उसका खात्मा किया था। आज उसकी जगह उसका बेटा खड़ा है। वही लोग, वही जगह, वही वक्त और वही खून, और जो हश्र इसके बाप का हुआ था वही इसका भी होगा। बिल्कुल। एए, तू शहर में तो बच गया प्रोफेसर, लेकिन तेरी समाधि मैं यहीं बनाऊंगा, इसी जगह पर। जंगली भेड़ियों के बस में शेर का शिकार करना नहीं है, उसे मारने के लिए 100 किलो का जिगर चाहिए। आज ये शेर तुम सब भेड़ियों का शिकार करेगा। आज तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरे आने वाली 7 पुश्ते भी इस धरती पर जन्म लेने से पहले 10 बार सोचेगी। बात हो गया, अब आ जा। उठ जा। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। वक्त बर्बाद मत कर और खत्म कर दे इसे। ऐसा हैवान जिंदा नहीं रहना चाहिए, खत्म कर दे इसे।